जी अस्सलाम वालेकुम। आज भी आईनी तरमीम का मुसवदा पेश ना हो सका। पीटीआई ने एक बड़ी चाल चल दी और मौलाना ने पीटीआई की बात मनवा ली। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, इस हवाले से बात करेंगे। और क्या होने जा रहा है, क्या ये आईनी तरमीम अब पेश होगी या कुछ लोग कह रहे हैं कि अब पेश ही नहीं होगी, इस हवाले से बात करेंगे। और कल की जो मीटिंग थी उसमें क्या तय पाया और अंदर की क्या खबरें, इस हवाले से भी आपसे बात करते हैं। सबसे पहले जी, आज भी आईनी तरमीम जो है उसका मुसवदा पेश ना हो सका, इजलास भी जो है वो मुलतवी कर दिया गया एक, और इसके अलावा कुछ मीटिंग्स जिनको भी मुलतवी किया गया। सबसे पहले तो जी, ये मामला जिस तरह से मेरे पहले व्लॉग्स में सारी सूरत हाल के बारे में मैंने आपको आगाह किया था, तो अब जो मामला है वो मामला इस तरह से है कि जी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान साहब की बहुत दिनों से बहुत सी मुलाकातें हो रही थी, कभी इस्लामाबाद में कभी कराची में, और बड़ी अहम मुलाकातें थी। पूरे पाकिस्तान की जो सियासत है वो उन मुलाकातों के इर्द गिर्द घूम रही थी। और वो मुलाकातें बेसिकली ये थी कि बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे थे कि एक आईनी अदालत का क्याम होना चाहिए जिसमें जो आईन के केसेस हैं यानी जो सियासी केसेस हैं वो उसमें देखे जाएं, और जो ये चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो कि अगले मंसूर अली शाह साहब हैं, तो वो जो है वो बाकी जो केसेस हैं वो सुने। चूंकि होता ऐसे है कि जो आईनी जो सियासी केसेस होते हैं यही सुने जाते हैं, बार बार रोज कोई ना कोई पिटीशन लेके आ जाता है, तो जो गरीब लोगों के जो केसेस हैं वो सुने नहीं जाते। तो ये बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे, जबकि मौलाना साहब ने इसके बाद बिलावल भुट्टो साहब के कहने पर उन्होंने जो तजवीज दी वो ये थी कि मौलाना साहब ये कहते थे कि क्यों ना इसी सुप्रीम कोर्ट के अंडर एक जो आईनी बेंच है वो बना दिया जाए जिसमें 4-5 जजेस हों और वो एक आईनी बेंच हो और वो इस तरह के मामलात जो है, जो सियासी मामलात हैं वो सुने। बिलावल भुट्टो साहब भी इस पर किसी ना किसी हद तक राजी हो गए थे कि चले, चूंकि हम मेन चीज ये है कि एक आईनी अदालत या आईनी बेंच जो है जो आईन के केस सुने वो अलग लोग होने चाहिए, इसमें हम नए जजेस तैनात कर लें और सीनियर मोस्ट 4-5 जजेस जो हैं वो इसमें हो। चुके मौलाना ने कहा कि बजाय इसके कि दोबारा एक नई इमारत बनाई जाए, दोबारा नया चीफ जस्टिस बनाया जाए, दोबारा सारी चीजें की जाए, तो इससे बेहतर है कि जो आईनी बेंच है वो बन जाए। तो बजाय इसके कि कुछ नए सिरे से कुछ बनाने के, इसी इमारत के, इसी अदालत के अंदर ही एक आईनी बेंच होगा जो कि इस तरह के सारे जो केसेस हैं वो सुनेगा। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि इस पर बिलावल भुट्टो साहब किसी ना किसी हद तक मुत्तफिक हो गए थे कि मुनासिब बात है, ठीक है, हम इस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद जनाब पीटीआई के तर्जमान का आ गया और उन्होंने कहा कि जी, ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को हमने कहा था, ये तो हमारी तजवीज है कि जी एक आईनी बेंच होना चाहिए। और बेसिकली मेरे ख्याल में ये जो तजवीज है वो सलमान अकरम राजा साहब, जो कि वकील है तहरीक इंसाफ के, एमएनए भी हैं तहरीक इंसाफ के टिकट पे वो बने हैं, उन्होंने ये तजवीज, चूंकि बड़े सीनियर और बड़े मंझे हुए वो वकील हैं, तो उन्होंने मेरे ख्याल में ये जो तजवीज है वो उन्होंने दी है। तो पीटीआई ने कहा जी, ये तो तजवीज हमारी थी जो हमने मौलाना साहब को कहा था कि ये कर लें, आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बना लें ताकि वो जो भी बेंच होगा वहां उसमें लोग के सुने। लेकिन यहां पर जो एक मेन बात है, जो एक समझे कि इस बात का मरकज़ महवर है, वो ये है कि जो आईनी बेंच होगा उसको भी जो सरबराही है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी मंसूर अली शाह साहब जो 25 अक्टूबर के बाद आएंगे वो ही करेंगे। तो फिर इससे नून लीग को क्या फायदा होगा, इससे तो कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इसमें जनाब अली उन्होंने किया ये है कि चूंकि कल जो रात को मीटिंग हुई है उसमें ये बात, जब मौलाना साहब ने नवाज शरीफ साहब के सामने ये बात रखी कि आईनी बेंच एक हम बना लेते हैं जिसमें हम ये चीजें कर सकते हैं और इस तरह से हम उस आईनी बेंच को ये इख्तियार दे देंगे कि वो आईनी बेंच जो है वो इस चीज को देखे और वो इस चीज पर जो है वो गौर करे कि जो सियासी केसेस हैं तो उनके हवाले से वो सुने। अच्छा, इसके बाद पीडीएम ने यानी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट के जो इतिहादी हैं उन साहब ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि क्या हम मौलाना साहब के नंबर्स के बगैर भी ये तरमीम करवा सकते हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल में किसी ना किसी हद तक कुछ 4 नंबर्स जो है पार्लियामेंट जो कौमी असेंबली है इसमें कम है वो इधर उधर से पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब ने साथ एक खतरे की घंटी भी बजा दी है और उन्होंने बातों बातों में ये कह दिया है कि अगर आप किसी और तरीके से इस तरमीम को करवा लेंगे तो अभी तो फिर पीटीआई सड़कों पर है, तो फिर साथ जेयूआई जो है वो भी पीटीआई के साथ साथ सड़कों पर होगी और फिर हुकूमत के लिए डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज होगा तमाम हालात को जो है वो टैकल करना। तो अब जी देखते हैं, एक बड़ी अच्छी मूव पीटीआई ने खेली है, वो भी ऐसे वक्त में कि जिस वक्त एन वक्त था कि आज ये कल ये पेश हो जानी थी, और पीटीआई ने ये एक बड़ी अच्छी और बड़ी स्मार्ट मूव खेली है। और देखते हैं कि अब इससे आगे गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसी पॉलिटिकल मूव खेल सकती है या नहीं खेल सकती, क्योंकि वहां पर भी जरदारी साहब का दिमाग है, मियां साहब के दिमाग हैं,
और उनके वकला हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर, बड़े मंजे हुए वकला हैं, तो देखना ये होगा कि क्या इनकी तरफ से भी कोई ऐसी तजवीज़ या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी मूव पॉलिटिकल सामने आ सकती है कि जिसके बाद हम देखें कि ये मामला जो है वो किसी ना किसी समत में जाता हुआ दिखाई दे। ये भी मुमकिन है कि जी कहा जाए कि सीनियर मोस्ट ना आए, एक ये बड़ी आम बात है, मुमकिन है कि कहा जाए कि चले हम आपकी ये बात मान लेते हैं, गवर्नमेंट कहे कि हम आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन एक बात आप हमारी ये माने कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएगा सुप्रीम कोर्ट में, जो कि मंसूर अली शाह साहब ने आना है, तो वो जो है वो वजीर आजम जो है, जिस तरह आर्मी चीफ वजीर आजम साहब की मर्जी से लगता है, चार पांच नाम आ जाते हैं, उनमें से जो वजीर आजम साहब का दिल होता है या वजीर आजम साहब जिसको बेहतर समझते हैं अपनी काबीना से मशवरा करके, चार पांच में से एक नाम वो अपनी मर्जी का बना देते हैं, लाजमी नहीं कि सीनियर मोस्ट ही जो है वो बने। तो शायद इस तरह की भी कुछ सूरत हाल आ जाए कि अब ये मौलाना साहब को कहें कि हमने आपकी इतनी बातें मान ली है, तो बहरहाल अब आप हमारी ये बात माने कि जो सीनियर मोस्ट है वो चीफ जस्टिस ना आए, लिहाजा इसी तरह जैसे चीफ जैसे आर्मी चीफ का तकरर होता है तो इसी तरह कुछ नाम आए, चार पांच जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनके नाम आए, तो उनमें से जो है वजीर आजम साहब कोई ना कोई एक नाम सिलेक्ट कर ले। बहरहाल सूरत हाल जो है वो इतनी सादी नहीं है कि जितनी नजर आ रही है, हुकूमत के पास दिन कम है, कोई ना कोई पोलिटिकल मूव इनको चलनी होगी, नहीं तो माजी करीब में इनके लिए जो है वो क्या कहते हैं उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, और फिर जो है जो क्या कहते हैं कि ऊंट जो है वो दूसरी करवट अगर बैठ गया तो फिर हालात ये नहीं रहेंगे बल्कि हालात हमें यकसर बदलते हुए नजर आएंगे। अभी तक के लिए इतना इजाजत दीजिए, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।